क्या आपने इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड एंड हॉलिडे पैकेजेस हर एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के कॉल से खरीदा है? नहीं ना। हेलो, मैं सारा हूँ और आज हम डिमांड फनेल के बारे में बात करेंगे। डिमांड फनेल एक फ्रेमवर्क है जो कि भावी ग्राहकों को संरेखित करता है। ये काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कस्टमर के बिजनेस के प्रोग्रेस को समझने के लिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे भावी कस्टमर्स हमारा बिजनेस बने हैं या नहीं। ये है डिमांड फनल का ढांचा अपने 6 स्टेजेस के साथ: प्रोस्पेक्ट्स, रेस्पोंडेंट्स, क्वालिफाइड लीड, एक्सेप्टेड लीड, क्वालिफाइड अपॉर्चुनिटीज एंड क्लोज। तो चलिए देखते हैं कस्टमर का जर्नी डिमांड फनल के स्टेजेस के माध्यम से। वो कॉन्टेक्ट या कस्टमर जिनके पास हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जानकारी है, वो प्रोस्पेक्ट है। वो प्रोस्पेक्ट जिसको जो हमें कॉन्टेक्ट करता है या जिसे हम कॉन्टेक्ट करते हैं, वो रेस्पोंडेंट है। वो रेस्पोंडेंट जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर यानी भावी ग्राहकों के क्राइटेरिया में फिट होता है, वो क्वालिफाइड लीड है। क्वालिफाइड लीड जिसके लिए हम जरूरत पैदा कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेड लीड कहा जाता है। और वो एक्सेप्टेड लीड जिसकी जरूरतों से हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मैच कर सकते हैं, वो क्वालिफाइड अपॉर्चुनिटी है। क्वालिफाइड अपॉर्चुनिटी या तो बिजनेस देती है या तो नहीं देती, वो होता है लास्ट स्टेज, क्लोज। तो क्या हमारे लिए कस्टमर की जर्नी डिमांड फनल के माध्यम से जानना फायदाकारक है? बिल्कुल। CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल में हम डेटा एंटर करने से हमें हर एक स्टेज के ऊपर कितने लीड्स हैं ये मालूम पड़ता है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि कौन से लीड्स और क्यों वो डेड हो जाते हैं। डेड लीड्स जानने से हम हमारा समय जो है वो वेस्ट होने से बचा सकते हैं। क्योंकि हम डिमांड फनल का ढांचा बेहतर समझते हैं, हमारे लिए याद रखना जरूरी है कि ज्यादा क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा सस्पेक्ट्स यानी कि कॉन्टैक्ट्स की जरूरत होती है। जितने ज्यादा कॉन्टैक्ट्स उतने ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।